में आपका स्वागत है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज जैसे जैसे करीब आ रही है, इसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि गुजरात में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रही है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज जैसे जैसे करीब आ रही है, इसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि गुजरात में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रही है। फिल्म को लेकर विवादों की चिंगारी ऐसी सुलगी है कि आगे का रास्ता मुश्किल दिख रहा है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने पद्मावती पर बन रही रंगोली को मिटाकर हंगामा किया, तो पर्दे की महारानी पद्मावती यानी दीपिका पादुकोण को अपने तेवर तलक करने पड़े। उनका पारा चढ़ने का सिला ये मिला कि हंगामा करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल फिल्म को लेकर जिस तरह राजस्थान का राजपूत संगठन श्री राजपूत करनी सेना बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, उनको देखते हुए पद्मावती के मेकर्स का चिंतित होना संभाविक है। करनी सेना ने फिल्म का विरोध इसके ऐलान के वक्त ही शुरू कर दिया था। दिलचस्प ये भी है कि सारा बखेड़ा सिर्फ कयासों की वजह से हो रहा है। कयास की फिल्म में रानी पद्मावती और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। कयास से की ड्रीम सीक्वेंस में खिलजी और पद्मावती पर प्रेमालाप के सीन होंगे। ये कयास इल्जाम में बदले और जयपुर में लगे फिल्म के सेट पर हंगामा हो गया। भंसाली इसकी चपेट में आ गए, उनके साथ हाथापाई हुई। सेट महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। हंगामे भी राज्यों की सरहदें पार करते पीछे पीछे चले आए। वैसे पिछले कुछ सालों में संजय लीला भंसाली की फिल्मों के साथ ये हंगामे चिपक से गए हैं। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें पहचान सच्चाई की। इसके साथ मैं हिमांशी उपाध्याय, राइव 24 न्यूज़।